हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं जाने के लिए और मेरे पीछे है ये और वो दो। अभी जाते जाते भी चेंज हो गया क्योंकि जिसमें मैंने डाला था ब्लू वाली में वो मैंने लोकेशर को दे दी। लोकेशर आ चुके हैं हमारे घर पे और इधर अमन हो गए हैं रेडी। अमन हेलो, ये हो गए रेडी। और मम्मी ने इन बैग्स के ऊपर ये धागा बांध दिया कि एयरपोर्ट पर पहचान रहेगी कि हमारे बैग्स कौन से हैं। ऐसे जैसे मम्मी ने धागा बांधा है एयरपोर्ट पे, ऐसे कोई और मम्मी भी होगी जो ये सोच रही हो। सोचो उनका भी वही बैग निकला है तो फिर तो बिल्कुल ही किस्मत खराब होगी। ऐसा कलावा अलग अलग रंग का है, हमारा रेड वाला नहीं है। हाँ। तो लोकेशन है नीचे अभी क्योंकि उनका लगेज नीचे ही रखा हुआ है और कैब आने वाली है। अब चलते हैं नीचे। तो सामान तो उठाओ। अरे कैसे ठूस दिया इन्होंने इसमें, देखना कैसे ठूस दिया। दिख भी ये बंद भी नहीं हो रहा। मैं बंद, ये बड़े वाला रह गया, बड़े वाला ले जाते हो, छोटे वाला तो आपको दुखाना मुझे बाहर ही ना। मेरे वाले ये मेरा ही है, 18 किलो वजन हो गया है इसमें। चलो दोनों मिल उठाएंगे अकेले में दुखाना, वो ले जाएंगे ना अपने आप। हाँ ये वाला ले चलते हैं, वो ले जाएंगे अपने आप आगे। रख दिया मैंने वहाँ पर, ले जाएंगे। हाँ लाइट ऑन कर लो यहाँ की। हाँ जाओ ऊपर बाय करके आओ। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। ये है पीहू। अर्चना ने अपना पार्ट शूट कर लिया और अब आई है मेरी टर्न क्योंकि मैंने व्लॉगिंग अभी स्टार्ट करी है। तो ये सारे पता है मम्मी ने ना ये धागे बांध दिए सब पे कि पहचान रहेगी कि अपने बैग्स कौन से हैं। अच्छा बस ये दो ही, अच्छा तीन है ना आपके पास भी। आ गई क्या कैब? कहाँ गया यान? वो आ रहा एन कर रहा है बाय हैं। अरे मिल तो लो व्लॉग में सबसे। हो गए रेडी, चले बाय कर रहा है। हाँ बाय कर रहा है दादू को, बाय कर रहा है दादू को। ठीक है चलो। ये आ गई है हमारी कैब इधर और अब इसमें सामान जो है वो पूरा सेट होएगा। ये लो इधर आ जाओ अंचना आंटी को है अर्चना आंटी। बैग्स तो आ तो जाने चाहिए यार। हेलो बेटा। हाँ ये आ गए ना, एक आगे बैठ जाएगा, तीन हम पीछे बैठ जाएंगे। हो गया, हो गया ना सब ले लिया ना। हाँ चार्जर फोन ले लिया, डॉक्यूमेंट्स ले लिए सारे, सब ले लिया, फोटो भी डाल दी उसमें। हाँ और बुकिंग तो वो तो हाँ लोकेश इसी बैग में, हमारे भी आपके वाले में ही। हाँ वो इसमें है मेरे पास हैंड बैग में। रुको रुको गाड़ी आ रही है उधर से, चलो चलो भाई बैठो, भाई बैठो चलो। हाँ मुझे पता है आप लोग हो जाएगा सर। ठीक है चलो आयन घुसो अंदर, चलो चलो पीहू आगे जाओ, पीहू आप आगे जाओ बेटा पापा के पास। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और मेरे पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा गेट नंबर 7 से एंट्री करनी है, हमारी फ्लाइट की एंट्री वहां से है। और इधर ये लोग उतार रहे हैं कैब से सारा सामान। आयन आप इधर आ जाओ, आयान आयान इधर आ जाओ बेटा मेरे साथ आओ। क्यों छोड़ जाओ तो फिर यहीं पे चलो कम। तो हमारे साथ जो एक और लोग जाने वाले हैं, आयान चलो आगे आगे, रोहित और पूजा जो फ्रेंड्स हैं हमारे वो लोग पहुंच चुके हैं ऑलरेडी और उन लोगों ने एंट्री भी कर ली अंदर। और अब हम लोगों को उन्हीं ने ही बताया था कि आप लोग गेट नंबर 7 पे आ जाना, हमारी फ्लाइट का गेट नंबर 7 से है। तो अभी चलते हैं अंदर। अयान आगे आओ, आगे आओ चलो आगे आगे। और ये दो बैग्स अमन
कैरी कर रहे हैं और एक मैंने लिया हुआ है और एक मेरा हैंड बैग है। तो अभी पहले एक बार अंदर चले जाते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अंदर कैसे कैसे और क्या क्या सिस्टम है। चलो बेटा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो अयान दिख भी नहीं रहा, अपना बैग लेके आगे आगे हो रहा है। और पूजा और रोहित आई थिंक अंदर हैं, मुझे दिख तो रहे हैं। आई थिंक ये रोहित ही है या पता नहीं कोई और है, शायद रोहित है। हाँ रोहित ही है। डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो यहाँ एंटर करने के लिए, वो आधार कार्ड हैं तीनों के और पासपोर्ट चाहिए तीनों के। तो ये निकाल लिए हमने, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स बैग के अंदर ही हैं। तो यहाँ पे हो गई है चेकिंग और अब चलते हैं अंदर। चेकिंग कंप्लीट हो गई, यहाँ पे हमें पासपोर्ट और टिकट्स दिखानी थी सिर्फ, वो हमने दिखा दी। और ये हम आ गए हैं एयरपोर्ट के अंदर। हेलो, ये है ये रही ना, नहीं मेरे पास नहीं है, कहाँ है? हेलो, बढ़िया बिल्कुल। हाय परी, हेलो कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। फोन कहाँ है आपका, मिल गया है अमन? फोन मिल गया? ट्रॉली बाहर से ही लेनी थी ना, वो रही एक वो रखी ना, वो वाली ले लो ट्रॉली। हाँ ले लो। तो ये है तीसरी फैमिली, तीसरे फ्रेंड्स जो हमारे साथ जा रहे हैं। हाँ सब जानते हैं, हम ही सब जाते रहते हैं साथ साथ में। पीयू मिले आप परी से? तो यहाँ से होती है हमारी जर्नी स्टार्ट और अंदर से एयरपोर्ट का लुक कुछ ऐसा है। ये आदमी तो जाना पहचाना सा लग रहा है, कौन है? कौन है? ट्रॉली लेके आए। अमन कहाँ चले गए? अमन देखना बैग लापता छोड़ के चले गए। अच्छा ट्रॉली लेने गए। कहाँ गए वो लोग? कहाँ? आपने पहचाना होगा, पूजा मेरे साथ सरोजिनी नगर गई थी जहाँ पे हमने आरटीपीसीआर कराया था बिना बात का। तो अभी मुझे तो बताओ वो दोनों कहाँ गए, लोकेश और रोहित? चेक इन कहाँ से होएगा? अच्छा वो लोग चेक करने गए हैं। हाँ मैंने तो उधर जाते हुए देखे थे। सी पे? सी कहाँ है? उधर चलो। चलो ये ट्रॉली ले ली ना, अब इजी हो गया। आयान स्लोली स्लोली, आयान डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके आना पड़ेगा। अच्छा जाना इधर से ही पड़ेगा। वो बोल रहे हैं कि अगर बीच में से कहीं कोई वो फ्री हो उससे करवा लो, मैं लेस थोड़ी कोई रास्ता। ओके तो अभी ये तीनों यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करा रहे हैं और फिर हम चलेंगे इधर से होते हुए उधर जाके वहाँ पे। यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं फिलहाल। तो हम लोगों को बोला कि आप लोग चले जाओ, वो तीनों आ जाएंगे क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई थी, इसलिए वो करवा के डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ें। क्या है ये, क्यों नाच रहे हो? मिल गया? अच्छा अंदर एक्चुअल चेकिंग होगी, लायक होगी थाईलैंड, हरिद्वार के लिए बोर्डिंग पास लगने लगी यार। हरिद्वार के एयरपोर्ट आना पड़ता है, मास्क नीचे करके बात किया करो, सुनाई नहीं। एयरपोर्ट पे आना पड़ता है हरिद्वार के लिए। अच्छा हरिद्वार जा रहे हो ऐसे कपड़े पहन के? तो ये वाला सारा सामान जो है वो अलाउड नहीं है ले जाना अंदर। और वो आ गया है इनके पास बोर्डिंग पास और अब भागे भागे जा रहे हैं हम, जल्दी जल्दी रन रन रन। ये आ गया हमारा इंटरनेशनल डिपार्चर, पीछे जो दिखाया था वो डोमेस्टिक था। अब हमें यहाँ पे जाना है सिक्योरिटी चेक के लिए। तो जस्ट अभी पूरी चेकिंग वेकिंग करा के सारी चीज़ें करा के हम लोग घुसे हैं अंदर और अभी बज गए हैं 11:03 हो गई है। तो 1 की फ़्लाइट है हमारी, तो हमारे पास 2 हैं। अभी मैं दिखा देती हूँ यहाँ मेरे सामने क्या है।
अब हम ये कर रहे हैं अंदर एंट्री, और अंदर अब सारे दिल्ली ड्यूटी फ्री सारी ब्रांड्स दिखनी स्टार्ट होंगी धीरे धीरे। अयान कैसा लग रहा है एयरपोर्ट? मास्क नीचे करके बताना एक बार। भूख लग रही है। एयरपोर्ट कैसा लग रहा है दिखने में वो तो बताओ। भूख लग रही है बेटा, अभी खिलाएंगे, अभी खिलाएंगे, चलो। सारे बच्चे जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, बार बार बोले जा रहे हैं भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो हम लोग आए हैं कुछ खाने के लिए, ये बैठ गए यहाँ पे टेबल लेके। पीहू कहाँ गई? लोकेश अर्चना पीहू, अच्छा पीछे हैं वो, आ रहे हैं उधर। हाँ हाँ वही कह रही हूँ मैं। तो ये है मेरे पीछे पूरा फूड कोर्ट है। यार अब मास्क हटा के बात किया करो यार। क्या खाओगे पूछ लो सबसे। फूड खाएंगे कह रहे हैं वो, उल्टा सीधा खाएंगे। कितना कितना अच्छे वाला जंक फूड खाना है? तो भर भर के वाला खाना है, नॉर्मल खाना है? भर भर के वाला। अब तो भर भर के वाला जो पिज्जा की स्मेल आ रही है। अरे तो अब इतनी दूर आए हैं और 6 दिन तो खाएंगे। तो बताओ क्या है दिल्ली में एयरपोर्ट पे हो, दिल्ली मेवा भी। अरे मतलब जाएंगे ना। क्या क्या लेके आए हो लोकेश के लिए? क्या लाए हो इसमें से? यार लोकेश के लिए लाना था, मुझे क्या पता। ये आपके लिए, ये मेरे लिए है, ये गयान का, एक आपका, ये मेरा, और ये लोकेश का। तो किस रात में एयरपोर्ट पे चश्मा कौन लगाता है? वो भी ऐसा नंबर वाला किसी और का। पानी बोतल ले क्यों? सर दर्द हो गया, तो सर दर्द हो गया, पहुंच रहा होगा। ये छोड़ दिया है यान ने, लो ये भी कैमरा ले लो, रख देना साइड में, खा लूंगा मैं, खा जाऊंगी फिर, इसलिए कह रही हूँ खा लो। इनकी चल रही है पिज्जा पार्टी, इन लोगों ने खाया था नॉन वेज KFC और हमने खाया मैकडी। ये क्या लेके आए हो अब? क्या लेके आए हो? यार मेरी बीवी ना बैठा बैठा के मांगती है। थैंक यू सो मच। हमें चलना है उधर ही, वो बोल के गए हैं गेट नंबर 6 पे। आप बैग ले लो अपना। अयान तो गया अपने पापा के साथ। आपका फोन भी है मेरे पास, रोहित दे के गए हैं। चलो बेटा, परी परी कम, चलो बेटा जल्दी चलो। इधर पीयू खेल रही है, अयान गया अपने पापा के साथ, वो लोग नीचे एक बार घूमने गए हैं ऐसे ही थोड़ा सा। और हम लोगों को बोल के गए हैं गेट नंबर 6 पे पहुंच जाना, जहाँ से हमें एंट्री करनी है। तो यहाँ से हम लोग अपनी फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन से गेट पे मिलेगी। और अभी सिर्फ मैं, अर्चना और पी हुई है। पूजा तो पीछे रह गई, पता नहीं कुछ उसको काम था, कहीं चली गई। और हम लोग जा रहे हैं इधर गेट नंबर 6 की तरफ। अमन लोगों ने बोला है कि आप लोग जाके एक बार पता कर लो वहाँ पर कि हम लोग सही गेट पे आए हैं कि नहीं आए हैं। जहाँ मतलब फ़्लाइट का नेम पूछ लेना कि वहाँ जाने वाली फ़्लाइट यहीं पे। मैं इस व्लॉग में इसलिए इतना सस्पेंस क्रिएट कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट वहाँ उतर के दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ आए हैं। वैसे तो शायद जिन्होंने दिमाग लगाना होगा उन्होंने लगा लिया होगा कि कहाँ आए हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैंने दिखा दी। बट देखते हैं, अभी गेट नंबर 6 की तरफ चलते हैं और वहाँ पर पूछते हैं कि हम लोग सही गेट पर आए हैं कि नहीं आए हैं। ये आ रहे हैं पीछे पीछे दोनों। हमें यार वहाँ जाके एक बार पूछ लेना चाहिए ना। हाँ गेट नंबर 6 पे जाके पूछना है कि यहीं से मतलब मैं बोर्ड। ये तो वन से थ्री दिख रहा है मुझे, आगे बहुत आगे जाना पड़ेगा, बहुत दूर जाना है यार, कमर दर्द कर रही है वैसे ही। हाँ बच्चे थक गए, 12:15 हो रहे हैं। हाँ 12:15, 1 बजे की फ्लाइट है ना हमारी, सो जाएंगे यार बच्चे तो थक थका। पर मुझे ठंड लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है फ्लाइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 5 घंटे की फ्लाइट है। और नहीं मैं कह रही हूँ ठंड भी लग रही है, बच्चे कैसे मैनेज करेंगे? हम तो कुछ लाए भी नहीं है ओढ़ने आड़ने के लिए, मिलता भी होगा वैसे तो पूछ लेंगे यार बच्चों के हिसाब से। तो पीहू इस पर वॉक नहीं करना पड़ रहा ना, तो इस पर ठीक हो आप? तो टायर्ड फील नहीं कर रहे अब? तो आप टायर्ड फील अभी भी कर रहे हो? पीहू थक गई है, पीहू बोल रही गोदी लो, बट हम इस पर चढ़ गए हैं उधर से वॉक करने की जगह, क्योंकि हमें गेट नंबर 6 पे जाना है और बहुत बहुत दूर है, बहुत दूर है। और इधर से बाहर अभी अगर दिन होता ना तो सारा दिखाई दे रहा होता, बट इधर का अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा लाइट की वजह से, मतलब रात हो गई है इसलिए लाइट जल रही है। तो इस पर हम आके इसीलिए खड़े हुए हैं कि हम थक गए हैं, अपने आप चलते जाएगा। यार वो लोग कितनी देर में आएंगे?
यहाँ सिक्का फंसा दिया इन्होंने। गया अंदर नहीं जा रहा क्या? अंदर नहीं जा रहा क्या अर्चना? पूजा नहीं जा रहा क्या? अभी भी चाबी चाबी वाबी भी नहीं है क्या? हाँ कार्ड से चला जाएगा। हाँ वो गया गया नहीं गया, अटक गया अभी भी, अटक गया शायद, अभी भी अटका हुआ है। रेड आ रहा है ना यहाँ पे, रेड आ रहा है। कॉइन नहीं आया, अटका हुआ है। लोकेश दिख रहा है वहाँ पे अटका हुआ। देख देख रोहित के काम देखो, रोहित के काम देखो। तो अब हम कर लेते हैं बोर्डिंग गेट नंबर 6 से, चलते हैं अंदर। एंड मास्क, मास्क ऊपर करो। पासपोर्ट, पासपोर्ट देती हूँ एक मिनट। और अंदर से बाहर कैसा लग रहा है? फाइनली अच्छा लग रहा है। अभी फ्लाइट में बैठ जाते हैं, वहाँ आराम से उतर जाते हैं, फिर देखते हैं। जल्दी आओ। तो अब हम जा रहे हैं अपनी फ्लाइट की तरफ। अयान क्या हुआ, क्या हुआ? फ्लाइट खड़ी है बाहर। हाँ चलो 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 चलो। अयान एक्साइटेड हो गया है फ्लाइट को देखते हुए। मम्मा फ्लाइट खड़ी है बाहर, फ्लाइट खड़ी है बाहर। अर्चना सॉरी यार, मेरी वजह से आपको चोट लग गई यार। सॉरी यार, सॉरी, सीरियसली सॉरी। अरे एक्चुअल में ना अर्चना मेरी वीडियो बना रही थी और पीछे अर्चना को पता नहीं लगा, वो खत्म हो गया। अर्चना गिरी बहुत तेज, सब लोगों ने देखा। हाँ सब अर्चना से पूछ रहे मैम लगी तो। बहुत तेज लगी अर्चना को यार। हाथ दिखाओ अपना, रेड हो गया पूरा। चलो हम जा रहे हैं फ्लाइट के अंदर। गिराएगी तूने? अयान का ये रहा ना मेरे पास है। अयान दिस इज एरोप्लेन, वेरी बिग एरो। अयान यहाँ से देखो, यहाँ से दिखाओ अयान को, बाहर से एक बार यहाँ से दिखाओ। इसके अंदर बैठ रहे हैं अयान, हम इसके अंदर ही जा रहे हैं। चलो चलो चलो। हेलो गुड मॉर्निंग। अयान 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 इधर टर्न करो एक बार। देखो एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, इधर करो, इसका मास्क हटाओ। अयान कैसा लगा बाहर देख के एरोप्लेन? अच्छा कितनी बड़ी बड़ी प्लेन्स हैं। फाइनली हम लोग आ गए हैं अपनी फ्लाइट के अंदर। सॉरी हाउ आर यू फीलिंग? थक गए ना, थक गए ना। चिकन राइस ले रहे हैं पापा, चिकन करी राइस ले रहे हैं उनसे।
अब अयान यहाँ पे खाएगा चिकन करी राइस क्योंकि इसको लगाई है भूख, वो दे रही है बना के। ये कुछ इस तरीके से बन के रेडी हुआ है, इसमें सिर्फ गर्म पानी मिलाया था। ये चिकन के पीसेस हैं, अयान खा रहा है चिकन करी राइस। कैसा है अयान? अच्छा है, भूख लग रही है इसको। और अभी रात के 2 बज रहे हैं हमारे इंडिया के हिसाब से, तो इसको भूख लग रही है तो मैं सोच रही खिलाई देती हूँ थोड़ा सा। और ये सोने की कोशिश कर रहे थे पर सो नहीं पा रहे हैं, तो अब इन्होंने अपने फ़ोन में कुछ मूवी वूवी चला ली है। गया है मीटर डाउन, सारा एक्साइटमेंट जो है रात की नींद में बराबर हो चुका है। डब्बा गोल, इधर भी डब्बा गोल है सबका, सबका डब्बा गोल। ये हुआ था सनराइज़ और फ्लाइट से सनराइज़ कुछ ऐसा दिखाई देता है। मेरी अपोजिट वाली सीट पे था ये, तो मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाई, पर बहुत सुंदर व्यू था फ्लाइट से। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं और मैंने आपको बता ही दिया है कि हम कहाँ आए हैं। तो हम लोग आए हैं फुकेट थाईलैंड, और यहाँ पे मास्क हटाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और इधर मेरे पीछे अमन जो ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन है इमिग्रेशन के लिए वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग अंदर एंट्री करेंगे। इस व्लॉग को हम लोग यहीं ख़त्म कर रहे हैं, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो कमेंट करना, इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना जरूर कि आपको कैसा लगा। बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाय बाय बाय।